आपका काफ़ी पर्सनल uh, काम रहा है कार्य रहा है इस क्षेत्र में तो जब आप काम कर रही थी तब uh, तब से आज तक काफ़ी uh, मतलब स्टेट वाइज भी काफ़ी अलग अलग लॉज है इस बारे में तो वो चेंज होते रहे होंगे थ्रू आउट द टाइम तो प्री एग्जिस्टिंग लॉज में ऑब्वियसली कुछ लूप होल्स रहे, रहे होंगे जिसका ये लोग फ़ायदा उठाते होंगे और दे नो जो लव जिहाद करा रहे हैं उनको पता होगा कि ये ये प्रॉब्लम्स है लॉ में तो हम इसे इस तरीके से टैकल कर सकते हैं तो क्या आपके नज़र में ऐसे कुछ सिचुएशंस आई थी आपके स्टडी के दौरान नहीं दो तीन बातें हैं कि आ, मैं फिर से मूल विषय पर आती हूँ उसमें जो मूल विषय है कि प्यार करना लड़की के साथ आ, जिसको कोई भी समाज का और आधुनिक समाज का व्यक्तित्व तो कहता है प्यार तो हो जाता है यह करने का विषय नहीं होने का विषय है लेकिन जब यह सुनियोजित बनता है तो तब वो करने का विषय होता है मुझे इस लड़की को फंसाना है और अनेक सारे केसेस मुझे ऐसे मिली कि इसी लड़की को फंसाना है ऐसा भी नहीं है मुझे लड़की को फंसाना है इसलिए मैं अपॉइंट किया जाता हूँ कुछ युवक और अभी अभी तो केसेस मुझे ऐसे मिले कि कुछ युवतियों को भी अपॉइंट किया जाता है कि आप इतनी लड़कियों के साथ या इतने लड़कों को धर्मांतर करके यहाँ पे आ जाओ तो आपको इतनी इतनी, इतनी इतना इतना पैसा मिल जाएगा तो इसमें एक बात और एक आती है उसको मैं बताना चाहती हूँ और फिर लॉ पर जाते हैं एक बात ऐसी है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हिंदुओं में हुआ दो हिंदू है पति पत्नी या लड़का लड़की कुछ भी कहे उनके साथ अगर आ, उन दोनों ने विवाह कर लिया कॉन्ट्रैक्ट मैरिज उनका हो गया तो तो कोई समस्या नहीं बनती वो घर में बुलाएंगे या निषेध करेंगे जो भी कुछ है लेकिन वो अपना अपना वैवाहिक जीवन चला सकते हैं मुस्लिमों के सभी धाराओं में जब तक उस लड़की का धर्मांतरण नहीं होता है तब तक वो लड़की कभी भी धर्म संपत सम्मत विवाह वैवाहिक स्थिति में आती ही नहीं है इस चीज़ को बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं और ये जो लॉ का विषय आता है तो एक लॉ है जो शब्दबद्ध है जो हिंदू विचार है वो शब्दबद्ध है घटनात्मक दृष्टि से बद्ध है मुस्लिम लॉ जो है वो उस प्रकार का नहीं है और विवाह विषय जो रीति नीति वगैरह चलती है वो शब्दबद्ध नहीं है तो उसका अर्थ जो शरिया के अनुसार या हदीस के अनुसार ऐसा लगाया जाता है उसका फ़ायदा सभी मुसलमान ले सभी मैं इसलिए कह रही हूँ कि मुझे एक गुवाहाटी में केस मिली थी तो कानून कहता है कि मुस्लिम व्यक्ति को चार शादियों के लिए अनुमति है आज भी है तो चार शादी तो वो सदैव रखता था अपनी यानी कि चार पत्नियों के साथ वह है वो स्वयं कह रहा था मुझसे कि लगभग एक सत्रह अठारह लड़कियों के साथ मेरे शरीर संबंध रह गए मैं तो चकित रह गई अस्वस्थ हो फिर उन्होंने कहा लेकिन लेकिन मैडम मैं आपको बताता हूँ मैंने एक भी काम गैरकानूनन नहीं किया है तो फिर कानून नहीं क्योंकि मैं एक समय में चार ही पत्नियों के साथ रहता था जिनको साथ मैंने विवाह किया है लेकिन मेरे विवाह सत्रह अठारह साल से 17, सत्रह अठारह व्यक्तियों के साथ हुए ये कैसे हो गया तो कानून तलाक आज तलाक के ऊपर एक अटकाव मिल गया है महिलाओं को सुरक्षितता मिल गई है लेकिन तब नहीं थी तो उन्होंने उसका गैर फायदा ले लिया था और इतने विवाह उसके हुए और एक को तलाक देना फिर दूसरे से शादी करना चार शादियां अधिकृत बाकी सब इस प्रकार की तलाक शुदे शुदा ऐसा चल रहा था उसका अब थोड़ा सा उस पर निर्बंध आया है लेकिन जब तक ये वाइज हो रहा है तो प्रत्येक स्टेट के विषय अलग अलग बनते हैं ऐसा कानून दो प्रकार से चल रहा है एक तो अगर उनको विवाह करना भी है धर्मांतर बंदी विषयक यानी कि धर्मांतर के लिए अनुमति नहीं है ऐसे कुछ स्टेटों में स्टेट में प्रावधान है जैसे कि गुजरात में भी है अभी उत्तर प्रदेश में भी आया है विषय आया है लेकिन उनका विवाह अगर दूसरे स्टेट में जाकर उन्होंने किया तो क्या करना ये एक सबसे बड़ी समस्या है और इसलिए स्टेट के कानून जैसे बनते हैं उनका प्रभावीकरण अगर करना है अगर वो प्रभावी रूप से चलाना है और किसी को फंसा फुसला कर अगर विवाह नहीं हो ऐसी मानसिकता हमारी है तो संपूर्ण देश के लिए एक जैसा कानून बनाना और सभी समाज के लिए एक जैसा कानून बनाना ये अपनी प्रधान आवश्यकता है ऐसा मुझे लगता है उसके बिना ऐसे समस्याओं से मुक्तता नहीं आ, मिलने वाली है